फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल ओडिशा। तो वीवो की तरफ से न्यू अपकमिंग सीरीज जो कि वीवो V19 सीरीज का न्यू स्मार्टफोन बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों स्मार्टफोन का नाम यहां पर देखने को मिलेगा आपको वीवो V19 Pro। दोस्तों वीवो V19 Pro वीवो V19 के सिक्वल है। तो दोस्तों इस फोन में आपको बहुत ही कुछ कमाल के फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे उसी फोन के बारे में। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देखिए लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि जब भी कोई लेटेस्ट अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले से आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीवो V19 Pro में आपको देखने को मिल सकता है 0.5 इंचेस का कलर अमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। वीवो V19 Pro में एक नॉचलेस डिस्प्ले होने वाला है जिसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उसकी रैम और रोम की। तो दोस्तों इसमें आपको दो वेरिएंट की रैम और रोम देखने को मिल सकते हैं, एक 6GB और 8GB की में आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आया है यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको 8GB और 128GB का रैम और रोम इस फोन में आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों मिली हुई लीक के मुताबिक यहाँ पर आपको एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड के सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों प्रो में एक डिसएडवांटेज है जो कि इसमें आपको एक्सटर्नल मेमोरी के सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चले बढ़ते आगे और बात करें उसकी अदर कनेक्टिविटी की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको USB टाइप सी केबल देखने को मिलेगा हुई थी, उसके साथ साथ आपको 3.5mm हेडफोन जैक भी देखने को मिल सकते हैं इस फोन में। तो दोस्तों अगर हम बात करें उसकी फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है फ्रंट साइड में, उसके साथ साथ आपको फेस अनलॉक के सिस्टम भी इस फोन में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चले बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उस फोन की कैमरे की। तो दोस्तों वीवो की तरफ से इस फोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है जो कि रियर साइड में। तो दोस्तों जो इसमें जो मेन कैमरा आपको देखने को मिलेगा रियर साइड में 64MP का मेन कैमरा देखने को मिल सकता है, उसके साथ साथ आपको 8MP प्लस 2MP प्लस 2MP का तीन और कैमरा देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी तरह से कन्फर्म है कि वीवो V19 Pro में आपको चार कैमरा देखने को मिल सकता है रियर साइड में। तो दोस्तों चले बढ़ते हैं और बात करते हैं उसके फ्रंट कैमरे की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रंट में 32MP प्लस 80 डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये पहली वीवो की तरफ से पहली फोन है जिसमें आपको डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चले बढ़ते आगे और बात करते हैं उसकी प्रोसेसर की। तो दोस्तों वीवो V19 Pro में आपको लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल सकता है जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 730G का प्रोसेसर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है जो कि क्लॉक्ड है 2.2GHz ऑक्टा कोर के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर वो देखने को मिल सकता है इस फोन में। तो दोस्तों चले बढ़ते आगे और बात करते हैं उसकी बैटरी की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वीवो V19 Pro में देखने को मिल सकता है 4500mAh की बैटरी, उसके साथ साथ आपको फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन कितने वाट का फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट है ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये रहा वीवो V19 Pro की फुल स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों अगर हम बात करें उस फोन की लॉन्च डेट और प्राइस की, तो दोस्तों यहाँ पर जो प्राइस आपको देखने को मिल सकता है 34,000 के आसपास इसके प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें उस फोन की लॉन्च डेट की, तो दोस्तों इसका जो लॉन्च डेट रखा गया था 3 मार्च को रखा गया था वीवो V19 Pro का, की वजह से सब अब डिले चल रहा है, इसके वजह से आपका ये लॉन्च डेट थोड़ा आगे जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस उतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों नीचे कमेंट करके बताएं वीवो V19 Pro किस किस को इंतजार है।